अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक पॉलिशर लेके आई हूँ, वाइटनिंग पॉलिशर, जो आप घर में पार्लर के जाके जो करवाती हैं पार्लर्स में से, वो आप अपने घर में ही कर सकती हैं। तो मैं आपके साथ ही ये शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी आप ब्लीच ले लें, किसी भी किस्म की आपके घर में कोई भी ब्लीच हो जो आप यूज़ करती हों, उसके अंदर आपने जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पॉलिशर डालेंगे और इसके अंदर हम इसका पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, जितना पाउडर जितना पॉलिशर आपने डाला है उसके हिसाब से ही आपने इसमें पाउडर यूज करना है। ये इसका पाउडर हमने डाला है। तो ये हम पॉलिशर बनाने जा रहे हैं, इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। आप यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है। इसके बाद हम इसमें स्किन टोनर यूज़ करेंगे, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप्स इनके डाले हैं स्किन टोन के, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूथिंग लोशन, गोल्डन पर्ल का सूथिंग लोशन है जो कि बहुत ज़्यादा इन है, तो ये ही हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड किया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइटनिंग कैप्सूल, जो कि वाइटनिंग कैप्सूल होते हैं, ये आपको पता है, ये हर जगह से मिल जाते हैं। ये आपने 2 अदद इसमें ऐड करने हैं, ये आपने इसमें ऐड किए। इसके बाद आपने जो सबसे अच्छी चीज़, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी सीरम है, मेरे पास 24K गोल्ड सीरम है, तो मैं इस सीरम के कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी। इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं कि जब कोई भी सीरम आपके पास, कोई भी अच्छा सा सीरम पड़ा है, तो वो आप इसमें ऐड कर लें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्लूपाटोन। आजकल आपको पता है ग्लूपाटोन बहुत ही इन है, हर क्रीम में यूज़ की जा रही है, वाइटनिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो इसलिए हम इस ब्लीच में भी हम इसके थोड़ा सा डालेंगे। ये थोड़ी सी हमने इसमें इसकी मकदार डाल दी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको जब अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि इनके इतने अच्छे रिजल्ट हैं, आप इसको अपने फेस पे यूज़ करें, आप इसको अपने हैंड्स पे यूज़ करें, आप इसको अपने पाँव पे यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो आप इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने फेस पे एक दफ़ा अप्लाई कर दिया है, जब ये 5 से 10 मिनट गुजर जाएँ, तो इसके बाद आपने इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है, ठीक है। ऐसे ही लगाने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है, ठीक है। उसको 5 मिनट रखने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना, और वॉश करने के बाद आप हैरान कन रिजल्ट्स देखेंगे। और ये हर तरह की स्किन के लिए है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब पतली भी है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई हार्श चीज़ नहीं यूज़ की, हर चीज़ बहुत ही नॉर्मल मिकदार में यूज़ की है, और पाउडर हमने बहुत ही थोड़ा यूज़ किया है। जिनकी स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं वो भी ये पॉलिश अच्छे से यूज़ कर सकती हैं घर में, या यहाँ के आप पार्लर में जाकर पॉलिश करवाएँ तो आप तो इसको घर में ही यूज़ करें, तो आप देखेंगे आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।